वेलकम टू न्यू एग्जाम आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस कब मनाया गया तो ये कब मनाया गया ये मनाया गया सत्रह जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस कब मनाया गया ये मनाया गया सत्रह जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जिसे विश्व दिवस भी बोलते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के दे� रूप में भी जाना जाता है हर साल सत्ताईस जुलाई को यह मनाया जाता है इस दिन को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के प्रयास के रूप में मनाया जाता है यह तिथि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संस्थापक संधि रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक से इतनी जानकारी तो मिलती है अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की तो अभी तक एक जुलाई से सत्रह जुलाई तक जितनी भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उनका हम सीक्वेंस में रिवीजन कर लेते हैं तो एक जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस दो जुलाई को मनाया गया था विश्व खेल पत्रकार दिवस चार जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस छः जुलाई को मनाया गया था विश्व जूनोसिस दिवस और सात जुलाई को मनाया गया था विश्व चॉकलेट दिवस और ग्यारह जुलाई को मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है और इस बार का जो विषय था विश्व जनसंख्या दिवस का वह था महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें और 12 जुलाई को मनाया गया था विश्व मलाला दिवस और 15 जुलाई को मनाया गया था विश्व कौशल युवा दिवस और इस बार का जो विषय था वो था स्किल्स फॉर आ रेसिलट यूथ और सत्रह जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में 2022 ग्रीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस खेल में देश में होने वाला है तो एक किस देश में होने वाला है ये होने वाला है सैनेगल में 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो कि सैनेगल के डकार में होने वाले थे कब 2022 में होने वाले थे अब इसको चार साल के लिए 2026 तक स्थगित कर दिया गया है डकार यूथ ओलंपिक खेल अफ्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन होगा डकार 2022 यूथ ओलंपिक में ओलंपिक इतिहास में पहली बार कुल लैंगिक समानता होगी बेसबॉल सहित कुछ बेहद लोकप्रिय खेल इसमें अपनी शुरुआत करेंगे अब बात आती है सेनेगल की तो सेनेगल की राजधानी है डकार क्या है डकार और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी सी एफ ए फ्रैंक और यहाँ के राष्ट्रपति है मैके सेल राष्ट्रीय खेल है यहाँ का वो है फुटबॉल तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। तो ये कितने केंद्रीय जिलों में बनाए जाएंगे ये बनाए जाएंगे छः कितने छः में मध्य प्रदेश में भोपाल ग्वालियर इंदौर उज्जैन जबलपुर और सागर सहित राज्य भर में छः केंद्रीय जिलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे कैदियों के इलाज के लिए ज़रूरी डॉक्टरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी पैरोल की अवधि साठ दिन कितनी पैरोल की अवधि साठ दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है इसके लिए गृह विभाग हाई पावर कमेटी को प्रस्ताव भेजेगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक से जानकारी तो मिलती है अब बात आती है मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था एक उन्नीस को राजधानी है भोपाल मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का और प्रॉपर वो उत्तर प्रदेश की हैं और चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल लोकसभा सीटें उनतीस राज्यसभा सीटें ग्यारह विधानसभा सीटें दो और यहाँ पर विधान परिषद तो है नहीं लेकिन यहाँ पर जिलों की संख्या है जो वो है बावन और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान पैंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वह है बाँसागर बांध सोन नदी पर भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर और यहाँ पर जो पंजीकृत जी आई टैंक मिले हैं वो मिला है चंदेरी फेब्रिक इंदौर के चमड़े के खिलौने दतिया के बेल में मेटल वेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेहूँ और इतनी जानकारी तो मिलती है और हम आपको बता दें कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना चल रही है ये भी चल रही है मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं ग्यारह रुपये प्रति मास्क बनाएंगी और टॉप पेरेंट एफ जो कि स्टूडेंट के लिए चल रहा है संकल्प योजना जो कि मध्य प्रदेश के प्रॉपर जिले उमरिया से शुरू हुई थी बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए और यहाँ पर किल कोरोना अभियान भी चल रहा है जो कि एक जुलाई दो से चल रहा है तो क्वेश्चन नंबर तीन से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान यानी निफा यानी एन आई एफ ए के कार्यवाहक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है ये किया गया है पराग चिटनिस को कितने पराग चिटनिस को प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान नेफा का कार्यवाहक निदेशक का नियुक्त किया गया है यह संगठन अमेरिका में सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को संचालित करता है चिटनस ने डॉक्टर स्कॉट एंगल की जगह ली जिन्होंने फ्लोरिडे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपाध्यक्ष के रूप में एक पद स्वीकार किया तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए यूरिया और अन्न उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है तो ये किस राज्य ने किया है ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों के लिए यूरिया और अन्न उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है यह कार्यक्रम न केवल किसानों को जागरूकता फैलाने में मदद करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा कार्यक्रम का नेतृत्व तो हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है अब बात आती है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो एक योजना चलाई गई वो चलाई गई बाल श्रमिक विद्या योजना और यहाँ पर वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच ऐप और यहाँ पर आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच से इतनी जानकारी तो मिलती है उत्तर प्रदेश के बारे में और जाने तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को राजधानी है लखनऊ मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर लोकसभा सीटें अस्सी राज्यसभा सीटें हैं इकतीस विधानसभा सीटें हैं चार सौ तीन और यहाँ पर विधान परिषद भी तो वो है सौ सीटें जिलों की संख्या है पचहत्तर और यहाँ का जो एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि रेहंदा नदी पर है और यहाँ पर जो पंजीकरण जी आई टैक मिली वो तो मिला है वाराणसी कांच मोती लखनऊ चिकन क्राफ्ट और मलि वादी दशहरी आम तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में कोलकाता से अगरतला जाने वाले पहले परीक्षण ट्रायल कंटेनर जहाज को किसने छत्रुग्राम बंदरगाह से रवाना किया तो ये किसने किया ये किया है मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज 16 जुलाई 2020 को कब 16 जुलाई 2020 को जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा रवाना किया गया है यह भारत के साथ माल के आवागमन के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देकर भारत बांग्लादेश समुद्री संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगा परीक्षण खेम में त्रिपुरा के लिए टीएमटी स्टील बार और असम के लिए दालें शामिल हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छः से इतनी निकाय मिलती है चलते अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है तो ये किस राज्य ने किए एक ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसने महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने एक उपाय हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है जिसमें पाँच दस्तों का गठन किया गया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने का काम सौंपा गया है दस्तों को ज़िले के विभिन्न हिस्सों जैसे त्रंबकेश्वर इगतपुरी कलवान पेट और अन्य में संदिग्ध कोविड पॉजिटिव रोगियों के निवास का दौरा करने का काम सौंपा गया है अब बात आती है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में जो दीवांकर दत्ता है वो हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क और यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र शिवाजी इन प्राउड साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड प्राउड पीपल तो ये किसने लिखी ये लिखी गिरीश कुविंद जो कि महाराष्ट्र के हैं और हम आपको महाराष्ट्र के बारे में और बताएं तो महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था एक मई उन्नीस को राजधानी मुंबई नागपुर शीतकालीन राजधानी है नागपुर और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है दीपांकर दत्ता यहाँ पर लोकसभा सीटें है अड़तालीस राज्यसभा सीटें उन्नीस विधानसभा सीटें दो और यहाँ पर विधान परिषद भी वो है अठहत्तर सीटें और जिलों की संख्या है थर्टी सिक्स 36. छत्तीस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किसे एच सी एल टेक्नोलॉजीज में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो ये किसे किया गया है ये किया गया है शिवा शिवानी रडार को किसे शिवानी रडार को और शिव ने एस टेक्नोलॉजीज़ टेक्नोलॉजी में अध्यक्ष की भूमिका छोड़ दी है तो इनके स्थान पर कौन आई है शिवानी नडार निदेशक मंडल ने शिव नडार के स्थान पर 17 जुलाई 2020 को कब 17 जुलाई 2020 को गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नडार मल्होत्रा को कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है एच सी एल के संस्थापक की एकमात्र संतान रोशनी नडार 2019 कब 2019 हजार वर्ल्ड की सौ सबसे शक्तिशाली महिला सूची में चौवनवें स्थान पर थी इनके बारे में आपने पढ़ाई होगा पहले तो क्वेश्चन नंबर आठ से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में आंध्र प्रदेश के 1200 से प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किसने शुरू किया है तो ये किसने किया है एक किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निशा या निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है निष्ठा स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जो शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक स्तर पर समग्र प्रगति पर है 21 अगस्त 2019 को निष्ठा का आमना सामना किया गया अब बात आती है आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में जो जगन्ना विद्या देवी योजना चल रही है निगाह ऐप और कोवेटफार्म नवरन्ना पैर लॉन्ड्री का कार्यक्रम भी चल रहा है और मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश में है और हम आपको आंध्र प्रदेश के बारे में और बताएं तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था एक अक्टूबर उन्नीस को राजधानी हैदराबाद मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरीशचंदन चीफ जस्टिस हैं जे के महेश्वरी और यहाँ का जो राज्य नेतृत्व वो कचीपुड़ी लोकसभा सीटें पच्चीस राज्यसभा सीटें ग्यारह विधानसभा सीटें एक सौ छिहत्तर और तो यहाँ पर विधान परिषद भी है तो वह है अंठावन सीट है और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है तेरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना तो एक कौन बना ये बना है मार्कस रेसपोर्ड कौन मार्कस रेसपोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेट स्टार मार्कस रेस्टफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है यह एक फुटबॉलर के रूप में और बाल गरीबी के खिलाफ एक भावुक प्रचार के रूप में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता है यह विश्वविद्यालय द्वारा जिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वह सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चॉल्टन के नक्शे कदम पर चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दस से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है तो ये किस राज्य ने दी है ये दी है छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कलाओं क्या राज्य की लोक कलाओं और संस्कृति बचाने संजोने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है और इस परिषद के तहत संस्कृति विभाग की सभी इकाइयों को एकीकृत किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भोपाल से आयोजित की जाती थीं लेकिन अब कहाँ की जाएंगी? ये की जाएंगी छत्तीसगढ़ में ही की जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर इतनी जानकारी तो मिलती है और यहाँ पर जो सी घाट ऐप चल रहा है छत्तीसगढ़ में पढ़ई त्योहार द्वार ऐप ये भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई ये भी हुई है छत्तीसगढ़ में और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन कार्यक्रम अभियान शुरू किया है तो ये किसने किया है ये किया है छत्तीसगढ़ ने और हम आपको छत्तीसगढ़ के बारे में और बताएं तो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं वो हैं ग्यारह राज्यसभा सीटें हैं पाँच और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती कोटरू राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासी दस राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ग्यारह ही मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किसे 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया है वे किसे किया गया है ये किया गया है इनमें से सभी को शाहिद उल आलम मोहम्मद मोशिद दापो ओलारू न्योमी प्रसिद्ध बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट और पाठशाला मीडिया संस्थान के संस्थापक शाहिदुल आलम को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के विजेताओं में से घोषित किया गया है कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट शाहिदुल और ईरान नाइजीरिया और रूस से तीन अन्य लोगों को सम्मानित करेगी अन्य पुरस्कार विजेता मोहम्मद मोशेद यानी ईरान दापू ओलोरुमोनी, नाइजीरिया और श्वेतलाना प्रोकोपेवा जो कि रूस के हैं सीपीजे वकील अमल क्लोनी को ग्वेन एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया विजेताओं को 19 नवंबर 2020 को कब 19 नवंबर 2020 को सीपीजे के क्या सीपीजे के वार्षिक लाभ पर, पर सम्मानित किया जाएगा अब बात आती है बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका मुद्रा है बांग्लादेशी टका राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बारह से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्चिंग इस पे की यहां पे यहां पर की नहीं यहाँ पे ई लॉन्चिंग क्या है ई लॉन्चिंग यहाँ पर की नहीं यहाँ पर ई लॉन्चिंग है ई लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान 126 करोड़ रुपए की विभिन्न पर्यटन और यात्रा परियोजना का उद्घाटन किया है तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया एक किया है गुजरात की गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में आयोजित ई लॉन्चिंग ई लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान 126 करोड़ रुपए की विभिन्न पर्यटन और तीर्थयात्रा परियोजना का उद्घाटन किया है राज्य सरकार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ शासनगिर सिंहसन सिंहदर्शन सेर गिरनार पर्वत उपरकोट और सोमनाथ समुद्र तट को जोड़ने के लिए एक पर्यटन संकट स्थापित करने पर विचार कर रही है अब बात आती है गुजरात की तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं गुजरात का जो गठन हुआ था वो हुआ था एक मई उन्नीस सौ साठ को राजधानी है गांधीनगर मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं छब्बीस राज्यसभा सीटें हैं ग्यारह विधानसभा सीटें हैं एक सौ बयासी यहाँ पर जिलों की संख्या वो है तैंतीस और यहाँ पर जो फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया गया ये भी गुजरात में किया गया टसरगन को पेश करने के लिए भारत में सबसे पहले गुजरात पुलिस रही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है और नई डिजिटल करेंसी डी लॉन्च की गई ये भी गुजरात में की गई और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वह सरदार सरोगा बांध नर्मदा नदी पर ओकाई बांध ताप्ती नदी पर दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर कड़ारा बांध माही नदी पर और कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तेरह जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी तरह का पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है तो एक कहाँ खोला है एक खोला है दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी के वी आई सी के आई सी ने चमड़ा कारीगरों के हाशिए पर रहने वाले समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है केंद्र को सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सी एफ टी आई सी एफ टी आई आगरा के तकनीकी जानकारों के साथ स्थापित किया गया है यह चमड़े के कारीगरों को उच्च गुणवत्ता वाले जूते बनाने के लिए एक व्यापक दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौदह से इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ विश्व स्तर पर उभरते हाई अड्डे अड्डे को हवाई अड्डे को कारोबार को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये किसने किए एक ये भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण यानी ए ए आई ए ए आई ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बी ई एल बी ई एल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यह वैश्विक स्तर पर उभरते हवाई अड्डे के कारोबार को संबोधित करने के लिए दोनों संगठनों के लिए सहयोगात्मक विकास और समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करेगा भारत में संचार नेविगेशन और निगरानी सी एन एस क्या सी एन एस उपकरणों को विनिर्माण टाई अप से संभव होगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पंद्रह से जानकारी मिलती है तो ये तो रहा आज के करंट अफेयर्स और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम आपको बता दें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो ये किसने किया एक किया एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो इसका आंसर बहुत से लोगों ने सही दिया वो अच्छा लगा और बहुत से लोगों ने एशियाई डे विकास बैंक के बारे में डिटेल में लिखा तो आप लोगों से निवेदन इसलिए कर देंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कुछ लोगों ने यहाँ कल भी गलत दिया था आंसर तो उनसे भी बोलते हैं कि भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमें देना होता है जिससे आपका रिविजन हो जाए और हम कल के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है चलते हैं हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केवल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खात को ही जल्द ही बनाया जाएगा तो ये कहाँ बनाया जाएगा इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देना और जितना भी आपको डिटेल में पता हो उस केंद्र शासित प्रदेश के वो भी बताना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद